हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यूटेरी एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल का सेशन मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ पे हम लोग अपना एक बेहतरीन वाला ट्रीटमेंट बना सकते हैं। सो मेक श्योर ये आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस। साथ में निफ्टी को पहले अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है ऑल टाइम हाई वाले लेवल से। आप लोग देखिए एग्जैक्टली ये था हमारा ऑल टाइम हाई वाले एरिया, इसने इसको टेस्ट तो नहीं करा पर उसके अराउंड ही आया, और यहाँ से इसने हमें गैप ओपनिंग दिखाने के बाद हमें कंटेनर्स आज के दिन पे एक बढ़िया फॉल देखने मिला, जिसपे काफ़ी अच्छे हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी बनाए थे जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें एक बियरिश कैंडल का स्ट्रक्चर देखने मिला या फिर मैं कहूँ रिजेक्शन कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। कुछ भी इसके साथ में फ्लो अप हमें देखने के लिए मिलता है, कुछ अच्छा पैटर्न या कुछ हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखने मिलता है तो चांसेस रह सकते हैं थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाए, या हो सकता है यहाँ पे निफ्टी थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे फिर एक बढ़िया यहाँ से ब्रेकआउट दिखाए, और ये ब्रेकआउट जब आएगा तो चांसेस रहेंगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाए। इस ब्रेकआउट से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मोमेंटम मिलने के लिए हमें बहुत बड़े एरिया मिल सकता है कि हमें अगर कंसोलिडेशन देखने मिलती है उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो आप लोग बताए टारगेट फिर ज़्यादा अच्छे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी के लिए रिजेक्शन आ चुका है, चांसेस ये रह सकती हैं कि कल के दिन पर भी हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक चीज़ फोकस में रख सकते हैं कि सेल साइड पर अगर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग बढ़िया क्वांटिटी में ट्रेड दे सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसने रिजेक्शन दिखा रखा है अपनी ऑल टाइम हाई वाई लेवल से। तो अगर बढ़िया हमें शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बढ़िया डाउन ट्रेंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल सकता है। चलते हैं सीधे 5 मिनट चार्ट पर, देख लेते हैं हमारे इंट्राडे के लेवल्स कौन कौन सी रहने वाली है। तो अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें आज के दिन की पहली कैंडल हमें गैप ओपनिंग देखने मिला, उसके बाद यहीं से हमें कंटिन्यूस एक फॉल देखने मिला निफ्टी के अंदर, और एक बढ़िया वाला डाउन ट्रेंड हमें आसानी से कैप्चर जो आप लोग देखें मॉर्निंग के सेशन से कंटिन्यूस फॉल आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे इसने रुकता हुआ दिखाया, एक फिर ब्रेकआउट मिला था हमें बैंक निफ्टी के अंदर, वही मैं अभी आप लोग दिखाऊंगा, फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बढ़िया वाला फॉल अगेन से देखने के लिए मिला। आज के दिन पे एक सेल साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था निफ्टी में। अगर आप लोग लेवल्स के हिसाब से देखें तो लेवल्स के हिसाब से हमें बढ़िया ट्रीटमेंट मिला 1:2.4 का, एक बेहतरीन रिश्योर के साथ में यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी एंट्री होनी थी उसमें एक हमारा SL8 हुआ है, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारा इस वाले ट्रेड में एक छोटा सा हमारा इस जगह पे SL8 हुआ है, और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे रीटेस्ट एंट्री पे तो रीटेस्ट एंट्री पे हमें एक अगेन डाउन साइड का बड़े मोमेंटम देखने मिला, और इसने आसानी से हम लोगों को टारगेट अचीव करा। अब आप लोग सोचेंगे रीटेस्ट हम लोग कहाँ पे देखने मिला, रीटेस्ट भी मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, इसको हम लोग साइड करते हैं थोड़ा। रीटेस्ट आप लोग चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, वैसे तो ये कुछ भी बियरिश कैंडल है नहीं, आप लोगों को बियरिश कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिली है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ग्रीन कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिली थी रेड कैंडल के मुकाबले, तो ये हमारा अगेन से हमें टारगेट मिलता हुआ नजर आया निफ्टी के अंदर। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके हैं हमारे कौन कौन से ट्रीटमेंट बने, 3 ट्रीटमेंट बने, 3 में से 2 में हमारा टारगेट अचीव हुआ और 1 में हमें SL8 हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर करा सेम बैंक निफ्टी में भी, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब मैं बात करूँ निफ्टी के कल के सेशन की, कल के सेशन में लेवल्स आप लोगों के सामने, इसके थ्रू आप लोग अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अगर ये डाउन साइड ब्रेक डाउन दिखा रहा हो तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है इस वाली ट्रेंड लाइन के बारे में, पर फिर से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। 15 मिनट की चार्ट पर हम लोग को क्लियर देखने मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं 3 टच आ रखे हैं, तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दिखाता है तो हमें बढ़िया सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर, और एक बड़े हम लोग डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर कुछ भी रिजेक्शन आता है तो हमें डाउन सॉरी अपसाइड का एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, ये बनेगा पहला टारगेट, ये बनेगा हमारा दूसरा टारगेट अपसाइड के लिए। ब्रेक डाउन आता है तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी आसानी से जा सकते हैं 18,700 के नीचे, या फिर 710 के नीचे आसानी से हम लोग जा सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए, 690 बन जाएगा हम लोग आसानी से पहला टारगेट। उसके बाद अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी रुक के फिर से अगेन ब्रेकडाउन दिखाता है 18,690 वाले लेवल का, तो हमें एक अगेन सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, और एक बढ़िया टारगेट हम लोग इस वाले लेवल तक अचीव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे लेवल्स के थ्रू, लेवल्स पे आप लोग आसानी से ट्रेड प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। उसमें ब्रेक डाउन आएगा तो ट्रेड प्लान, ब्रेकआउट आएगा और रिवर्सल आएगा। सेम बात रही अपसेट की, तो 18,800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको क्रॉस करता है तो निफ्टी में हमें एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, फिर मैं ब्रेकआउट हमें बाई साइड की एंट्री देखने के लिए मिल सकती है 18,840 हम लोगों आसानी से टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा अपसाइड के लिए। उसके बाद इसको क्रॉस करता है तो हमारी ऑल टाइम हाई अवेलेबल है जी, वो बन जाएगा हम लोग आसानी से टारगेट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है निफ्टी के एनालिसिस, जिसमें मैंने आप लोग डेली टाइम फ्रेम का भी व्यू दिखा दिया और 5 मिनट से चार्ट का भी व्यू दिखा दिया, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा दोनों चीज़ों का एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम का 5 मिनट्स का। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी का व्यू क्या रहने वाला है।
तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम लोग पहले 5 मिनट से चार्ट पे देखेंगे तो इसमें भी हमें ओपनिंग देखने मिली है। ओपनिंग के साथ ही हमें कंटिन्यूस फॉल देखने मिला, ओपन इक्वल टू हाई का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला था आज के दिन में, जिससे हमें कंटिन्यूस इंडिकेट करता है सेल ऑफ वाला मार्केट, ओपन इक्वल टू हाई बनाए। और फिर आप लोग देखेंगे डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला, ब्रेक डाउन करने मिली वो काफी ज्यादा बड़ी थी तो हम लोग यहाँ पे तो एंट्री बननी नहीं थी। 3 मिनट के चार्ट पे हमें बढ़िया एक इंगल्फिंग कैंडल का स्ट्रक्चर देखने मिला, उसने हमें टारगेट दिलवाया। उसके बाद हमें एक अगेन एंट्री देखने मिली, उसने हमें टारगेट दिलवाया। फिर हमें देख सकते हैं आप लोग एक और एंट्री देखने के लिए मिली और उसने भी टारगेट दिलवाया। और क्या ही चाहिए आप लोग, 3 ट्रेड बने और तीनों में बैक टू बैक हम लोगों को प्रॉफिट अचीव हुआ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे थी हमारी एग्जैक्ट एंट्री, इसका मैंने वैसे आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर ले आप लोग टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बना हमारा पहला ट्रेडमेंट, ये बना हमारा दूसरा ट्रेडमेंट और ये था हमारा तीसरा ट्रेडमेंट। तब में हम लोगों का बहुत बेहतरीन तो रिस्टवर्ड कैप्चर नहीं हुआ, पर हाँ हमें ठीक ठाक एक अचीवेबल रिस्टवर्ड हमें आसानी से कैप्चर हुआ है। इसमें हमें पहले वाले मिला 1:1.6, दूसरे मिला 1:1.6, तीसरे मिला 1:1.8 का एक बेहतरीन रिस्टवर्ड बहुत ज़्यादा आसानी से। आई होप गाइस आप लोगों ने भी तीनों में प्रॉफिट कैप्चर करा होगा और आसानी से आप लोग देख रहे हैं तीनों में कंटिन्यूस सेल ऑफ के साथ में हम लोग टारगेट अचीव होगा। कुछ भी देरी नहीं लगी, एंट्री हुई और 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा टारगेट अचीव। आई होप गाइस आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। जिस फेक ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था वो था ये फेक ब्रेकआउट, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनी थी क्योंकि हम लोग हमेशा कैंडल की हाई पे एंट्री लेते हैं। कैंडल का हाई एस एच ट्रिगर नहीं हुआ कंटिन्यूस यहाँ से, उसके बाद सेल ऑफ आया। क्यों, जैसे मैंने आप लोग हर बार बताया जब कभी जहाँ पे भी ट्रैपिंग होती है वहाँ पे हमें ऐसी सेल ऑफ देखने को मिलता है। ये थी कंसोलिडेशन, इसका है ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे सबके सेलर्स जो सॉरी बायर्स होते हैं सबका एसएलएट हुआ तो हमें फिर से डाउन साइड मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो गाइस बैंक निफ्टी में तो हम लोगों को तीनों ट्रेड में प्रॉफिट अचीव हुआ, निफ्टी में हम लोगों को 3 में से 2 में प्रॉफिट अचीव हुआ, 1 में एसएलएट हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 में एसएल गया, कोई भी ऐसी सच दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन पे भी कैप्चर करा अपने ही लेवल्स के थ्रू। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूँ, और गाइस ये चीज़ ध्यान रखिए वीडियो अच्छी लग रही हो ये लेवल्स पे आप लोग आसानी से ट्रीटमेंट बना पा रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन नहीं करना है तो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ से आके आप लोग सॉरी वहाँ से आके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं आप लोग ट्विटर, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग मुझे टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग के सेशन मैंने सारे लेवल्स का अपडेट दिया था, उसके बाद जो हमारे ट्रेड प्लान बने थे और फिर फाइनली हमारा जो फाइनल ट्रेड प्लान था और सॉरी पहला ट्रेड प्लान था निफ्टी के अंदर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद कुछ वर्क की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट, लाइव मार्केट मैं नहीं देख पा रहा था, तो आप लोग देखिए मैंने उसका भी अपडेट आप लोगों को अपडेट यहाँ पे शेयर कर दिया था। तो सारे लाइव मार्केट में जितने भी अपडेट देने होते हैं मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे जाकर मेक श्योर लीजिए फटाफट से आगे सब्सक्राइब कर। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और कल के सेशन के लिए। तो कल के सेशन में लेवल्स हमारी यही सारी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट आएगा हम लोग जाएं बाई साइड के लिए, याद रखिए हाई ब्रीच आउट होना चाहिए जैसे यहाँ पे हुआ, इस पर हम लोग एंट्री नहीं बनेंगे। हाई ब्रेक होगा हम लोग एंट्री बनेंगे, 43,840 बन जाएगा हम लोग का आसानी से अप साइड का टारगेट। सेम मैं बात करूँगा डाउन साइड की, तो डाउन साइड ब्रेक डाउन आता है हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए। पहला टारगेट तो ये बनेगा 43,500 बाई लेवल जो है ये बनेगा हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं 400 तक का, क्योंकि 500 हमारी है थोड़ी सी माइनर लेवल, वैसे तो अभी इंपॉर्टेंस इसी बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि आज के दिन पे भी रिजेक्शन दिखा दिया, तो मैं इसको भी अब एक जोन से मार कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कई लोग सोचेंगे यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, अभी तो हमें और बड़े टारगेट मिलने वाला है, तो इसीलिए मैंने इसको भी जोन से मार कर दिया। और तो आप लोग के लिए समझ आएगा ये बन जाएगा हम लोग आसानी से टारगेट। इसके बाद अगर अगेन से ब्रेक डाउन आता है कंटिन्यूस फ्लो के साथ में तो आप लोग रीटेस्ट पर एंट्री बना सकते हैं और एक बड़े शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कंसोलिडेशन या फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन आता है तो डायरेक्टली भी एंट्री बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप गाइस आप लोगों को बैंक निफ्टी का व्यू क्लियरली समझ में आ गया होगा। अपसाइड पर हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, डाउन साइड पर हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, और अपसाइड निकालना होगा तो ये सारी लेवल्स काफ़ी अच्छे से वर्कआउट होने वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे दिन पर कंसोलिडेशन देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिली, यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर तो हमें सीधे ब्रेक डाउन पर एंट्री बनानी। इन लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने मिलता है तो बढ़िया सेल ऑफ और अपसाइड का मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इसका रीज़न जैसे बताया मैंने सिंपल सा, क्योंकि हमें पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन जैसी ये थी कंसोलिडेशन, ऐसी कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा देखने मिली थी जो आज के दिन पे तो नहीं थी ना उससे पहले के दिन पे थी, तो अभी मोमेंटम मिलने की चांसेस रह सकती हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। आई होप गाइस यहाँ पे क्लियर हो चुका है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस और गाइस कंप्लीट हो गया हो तो मेक श्योर वाले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आज के सेशन के लिए स्टॉक्स दिए थे उनको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहला स्टॉक था हमारा सन फार्मा, सन फार्मा में आप लोग देखेंगे आसानी से हम लोग टारगेट अचीव होता नजर आया। ये थी हमारी ब्रेकआउट वाली लेवल, ब्रेकआउट पे हमें आना था बाई साइड के लिए, ब्रेकआउट आया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आसानी से टारगेट दिलवाया
उसके बाद आप लोग देखेंगे रीटेस्ट भी हुआ, रीटेस्ट के बाद और अपसाइड गया और वो भी हमारा टारगेट अचीव हुआ बहुत ज्यादा आसानी से। तो इसमें हमारे दो ट्रेड पे बन सकते थे, दोनों में हमारा टारगेट अचीव हुआ। दूसरा स्टॉक था हमारा कोफोर्ज, कोफोर्ज में हम लोगों को इस वाले लेवल के ऊपर जाना था बाई साइड के लिए, इसके नीचे आना था शॉर्ट साइड के लिए। आप लोग देखेंगे ना तो इसने अपसाइड ब्रेक करा ना डाउन साइड ब्रेक करा, इसीलिए मैं कहता हूँ पावर ऑफ लेवल्स। ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था, इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो ही जाएंगे बाई साइड के लिए, इस वाले स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए। इसने ना तो ऊपर ब्रेक करा ना नीचे ब्रेक करा, जिन जिन लोगों ने ट्रायंगल ब्रेक और एंट्री ली वो लोग तो फंस ही गए, पर हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बच लिए। थर्ड और लास्ट इंटरडे स्टॉक था हमारा जीएनएफसी। जीएनएफसी में एक हमारा एसएलइट हुआ, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का एक छोटा सा यहाँ पे एसएलइट हुआ, रेड कैंडल से ब्रेक डाउन है, तुरंत ही अपसाइड चला गया, एसएलइट हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के दिन पे हम लोगों ने मल्टीपल ट्रेड प्लान बनाए स्टॉक्स में और निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिसमें हमारा सिर्फ एक जीएनएफसी में एसएलइट हुआ और निफ्टी के 8 ट्रेड प्लान में, तो सिर्फ दो में एसएलइट हुआ, बाकी 5 से 6 में हम लोगों का आसानी से टारगेट अचीव हुआ। तो वो होते हैं किसकी वजह से, लेवल्स की वजह से। तो वही मेक श्योर कर लिए कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करिए, क्योंकि ये लेवल्स मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ, चाहे वो बात हो गई निफ्टी की, चाहे वो बात हो गई बैंक निफ्टी की, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ। तो इसके लिए गाइस लाइक करना बनता है, तो मेक श्योर कर लिए आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करके जाएं, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें मिलूंगा आप लोगों ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।